तो दोस्तों वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फ्रेश अपडेट्स। मैं आपका होस्ट हूं दोस्त सोम। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एपेक्स लेजेंड्स के बारे में। तो ये गेम बहुत ही पॉपुलर हो रहा है पबजी के बाद से। अभी फिलहाल जो है इसका क्रेज दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक दिन में बहुत डाउनलोड्स हो रहे हैं जो कि पबजी के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो कि अभी 5 घंटे पहले की न्यूज़ है आप देख पा रहे हैं। पहला जो लिंक है यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 2.5 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं एक वीक के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है जो डेवलपर्स है उन लोग के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप लोग जो है इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं एपेक्स लेजेंड्स को। तो यहाँ पे आपको EA गेम्स की तरफ से एक फ्री टू प्ले गेम मिलता है जो कि आप इजीली खेल सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। तो दोस्तों ये जो गेम है बिल्कुल फ्री है जो कि EA.com के अंदर बनाया गया है। और ये गेम अवेलेबल है दोस्तों फ्री ऑन PS4 या फिर आप विंडोज़ के यूज़र, लिनक्स यूज़र के लिए अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। आप लोग जाकर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको गूगल में सिर्फ सर्च करना है एपेक्स लेजेंड डाउनलोड फॉर PC। सर्च कीजिए, सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर टॉप स्टोरेज वगैरह दिखाई देगी, लेकिन आपको जाना है नेक्स्ट लिंक के अंदर। वो लिंक आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड फॉर फ्री। वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, एक है ओरिजिन ऑन PC, उसके बाद प्ले स्टेशन और Xbox One। तो हम लोग को अगर आप PC यूजर है तो आप PC में क्लिक करेंगे, तो हम लोग PC यूजर है तो हम लोग PC में क्लिक करेंगे और उसको डाउनलोड करेंगे। नीचे भी आप लोग को प्ले फॉर फ्री का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर डाउनलोड करते हैं प्ले फॉर फ्री तो आपको मिलता है यहाँ से भी एक एक्सेस। तो अब मैं ऊपर से क्लिक करता डाउनलोड फॉर फ्री ऑप्शन ओरिजिन ऑन PC। तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर फ्री ऑप्शन के बारे में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक इंस्टॉलर मिलेगा जिसकी साइज लगभग, रुकिए थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है अभी फिलहाल। तो यहाँ पे 64 MB की फाइल आपको दिखाई देगी, तो ये आप डाउनलोड कीजिए। मैं पहले डाउनलोड करके रखा हूँ, मैं डायरेक्टली आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसा ये इंटरफेस होने वाला है। ये जो इंस्टॉलेशन फोल्डर के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ मैंने डाउनलोड करके रखा है पहले से ही, तो मैं इसको जैसे नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं कुछ किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो ये भी आप लोग डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको ओरिजिन की जो लॉन्चर है वो दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ओरिजिन इंस्टॉल कर लिया है मैंने, और यहाँ पे आप लोग को मैं खोल के दिखाता हूँ। पहले आप खोलिए ओरिजिन के लॉन्चर को। तो ओरिजिन के लॉन्चर जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मेरा कनेक्टिंग टू ओरिजिन, पहले से मैंने अकाउंट भी बनाया था। मैं आप लोग को पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा कैसे आप लोग अकाउंट भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो पहले आप लोग जाइए, यहाँ पर जाने के बाद ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने डाउनलोड बिठाया था 1% दिखा रहा है, तो मैं आप लोग को पहले से फुल प्रोसीडियर आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पहले जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ स्क्रीन आप लोग को दिखाई देगा। तो यहाँ पे साइन इन का पेज रहेगा, आप लोग को साइन इन करना नहीं है, आप लोग को जाके क्रिएट करना है अगर आपके पास अकाउंट नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट है तो डायरेक्टली आप लोग साइन इन कर सकते हैं। आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपकी बेसिक डिटेल्स जो है वो एंटर कीजिए आपकी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, मंथ, डेट, ईयर वगैरह। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कीजिए, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद शायद आपको वेरिफिकेशन कोड डालना पड़े जो कि आपकी ईमेल में आपको मिल जाएगी, तो वो कोड आपको लेकर यहाँ पे एंटर करके क्रिएट करना है अकाउंट और सक्सेसफुली उसको रजिस्टर करना है। उसके बाद आप इजीली आपका जो पासवर्ड सेट किया था आपने नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर वो आप यहाँ पे दीजिए और आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। जैसे मैंने दिया, साइन इन करने के साथ साथ आपको इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे डैशबोर्ड में आने के बाद आपको डायरेक्टली गेम तक लिया जाएगा क्योंकि आपने इंस्टॉलर डाउनलोड किया था। अगर आपको इंस्टॉलर दिखाई नहीं देता है तो आपको करना क्या होगा, तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा स्टोर्स जो ब्राउज के सेक्शन है, ब्राउज गेम्स। उस ब्राउज गेम्स के सेक्शन में जाने के साथ साथ आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिखाई देगा नंबर 3 ऑप्शन में एपेक्स लेजेंड्स। तो यहाँ पर इसके बाद जाना है, इसके जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है एपेक्स लेजेंड के अंदर। एपेक्स लेजेंड में क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ पर उसकी डैशबोर्ड जो है गेम की लाइब्रेरी में ला दिया जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं इसे। तो यहाँ पर आप स्टोर के अंदर जाने के बाद व्यू इन लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ही इसको ऐड करके रखा था। तो आपको यहाँ में ऐड टू लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा, वो आप कीजिए और ऐड करने के साथ साथ आपकी लाइब्रेरी में वो ऐड हो जाएगी और साथ में आप उसको डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी डाउनलोड साइज दोस्तों 20 GB के आसपास है। तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको विंडोज 7 की रिक्वायरमेंट्स मिलती है, और यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो है आपको AMD की प्रोसेसर की ज़रूरत होगी। तो AMD की प्रोसेसर जो है मिनिमम AMD FX का 4350 का जो है
उससे ज़्यादा या फिर वहाँ तक कि इसके मिनिमम सपोर्ट आपको मिलती है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे इंटेल कोर i3 की सपोर्ट चाहिए, और रैम की बात करें तो मिनिमम उन लोगों ने कहा कि 6 GB की रैम की ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने 4 GB की रैम वाले लैपटॉप में भी ये ट्राई किया था तो ये काम किया है वहाँ पर, लेकिन थोड़ा लैग होता है। वेरी लो सेटिंग्स के अंदर आप इसको इजीली प्ले कर सकते हैं। और ग्राफिक्स कार्ड की डिमांड यहाँ पे, अगर आप AMD की यूज़र है तो Radeon की HD 7730 इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और NVIDIA की तरफ से आपको NVIDIA GT 640 की मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर। DirectX की बात करें तो 11 कंपेटेबल वीडियो कार्ड होना ज़रूरी है, नहीं तो वो नहीं चलने वाला। और यहाँ पर आपको ये ऑनलाइन गेमिंग है तो इसीलिए आप लोग को जो स्पीड 512 kbps या फिर उससे भी ज़्यादा फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। हार्ड ड्राइव की स्पेस दोनों में एक ही लगेगी 22 GB की, और रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन जो है यहाँ पे वो है 64-bit विंडोज 7 और उससे भी ज़्यादा किसी में भी ये रन करेगा। और प्रोसेसर AMD की बात करते हैं, यहाँ पर राइजन 5 की CPU की डिमांड है, और यहाँ पर इंटेल कोर i5 से भी ज़्यादा या फिर इंटेल कोर i5 तक ये आप हाई डेफिनेशन में इजीली खेल सकते हैं। मेमोरी की बात करते हैं, DDR3 और उसकी मेगाहर्ट्ज़ जो है 1333 मेगाहर्ट्ज़ की होनी चाहिए रैम, और इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है वो 8 GB है, जिसमें आप लोग हाई सेटिंग्स पे इजीली खेल पाएंगे। AMD ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट जो है वो AMD Radeon की R9 290 जो है वो ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन उससे भी ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राफिक्स कार्ड के NVIDIA की बात करें तो यहाँ पे NVIDIA GTX 7970 ये आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे DirectX की बात करें तो यहाँ पे DirectX 11 जो कि कंपेटेबल है, वैसे ही आपको ग्राफिक्स कार्ड होनी बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये गेम आप लोग डाउनलोड कीजिए दोस्तों, बहुत टाइम लगेगा डाउनलोड होने के लिए। मैं डाउनलोड होने के बाद आप लोग को एक ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसा है, गेमिंग परफॉर्मेंस देता है वगैरह वगैरह। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया, अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मत भूलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स चाहिए सब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। तो स्टिल देन हैव अ ग्रेट डे, स्टे लर्ट, स्टे सेफ, सी या, बाय बाय।